बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान प्राण प्रियतम हृदयेश्वर अक्षरातीत धाम धनी के कोमल नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहब में साथ सबों ने इन समय देखी मेहर श्री राज, बांह पकड़ाई साथ की दई हके हाथ श्री महराज। ये प्रसंग आज करेंगे अति प्यारा, श्री मुखवाणी कैसे कैसे उतरती जा रही है और कैसे हके हाथ श्री महराज, कैसे बांह पकड़ाई साथ की, याच श्रवण भी करेंगे और उसको हृदय में भी उतारेंगे और साथ साथ अपनी रहनी में भी उतारेंगे। सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं पहले श्री मुखवाणी गायन की ओर। और जब तक सुंदर साथ जी आ रहे हैं, प्रतिभा जी आ चुके होंगे, पहले वो गायन करेंगे और उसके बाद सुनैना जी गायन करेंगे। सभी सुंदर साथ जी का हृदय से आभार, श्री राज जी के बागा वस्त्र, उनका श्रृंगार हार, और सुंदर साथ जी जूम में जूम की सेवा करने के लिए ये चुनरिया, और साथ में बहुत सुंदर सुंदर आपके प्रसाद, खाने पीने का भी आपने जो प्रसाद भेजा है, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चुनरिया बिंदिया बहुत सारे आप सुंदर साथ के आशीर्वाद प्राप्त हुए, कल आशीष यहाँ आ चुके हैं, उसके लिए आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। थैंक यू सो मच। ईच ब्लेसिंग काउंट सुंदर साथ जी, ईच वर्ड ऑफ प्रेम काउंट्स। आप एक छोटा सा प्रेम का शब्द भी बोलते हैं ना, तो हर एक के जीवन में वो बहुत बड़ी काउंटिंग होता है, तो जरूर ये प्रेम की वाइब्रेशंस फैलाते रहिए। आइए चलते हैं प्रतिभा जी की ओर। प्रणाम जी, प्रतिभा जी आपके चरणों में प्रणाम जी। आई होप जी, नाउ प्रणाम जी। सब सुंदर सास जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सोनिया दीदी, मेरी आवाज आ रही है? बोलो हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सर्व सुंदर सास की जय। सुंदर सास जी एक किरंतन है, चरचरी छंद में है। श्यामा जी श्याम के संग, युवती अति जोर जंग करती पूरन रंग, परे आतम परे आतम परे। श्यामा जी श्याम के संग, युवती अति जोर जंग करती पूरन रंग, परे आतम परे आतम परे। अंगे अंगे उछ रंग सखी सखी मन मंग, अलवेली अति अभंग भामिनी रस भरे, भामिनी रस भरे। परे आतम परे छटके छेल कंठ मेल, हास खेल रंग रेल, बंद भेल ठमके ठेल कामिनी केल करे। परे आतम परे श्यामा जी श्याम के संग, युवती अति जोर जंग करती पूरन रंग, परे आतम परे। कंठ हार सजे श्रृंगार, नैन संवार शोभे मुखार, संग आधार करे विहार, श्री महामति काज सरे, श्री महामति काज सरे। परे आतम परे श्यामा श्री श्याम के संग, करती पूरन रंग ज्योति अति जोर जंग करती पूरन रंग, परे आतम परे
श्यामा जी श्याम के संग युवती ऐती जोर जंग करती पूरन रंग परे आतम परे परे आतम परे परे आतम परे परे आतम परे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सब प्रेम भी ने सभी सब सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर अति मीठा श्यामा जी श्याम के संग, बहुत सुंदर आपके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कैसे रामते हमने भी खेली हैं रास में, कैसी रामते आज भी जागनी रास में, धनी जी के साथ हमने खेलनी है, ये हमें सीखना है। और एवरी डे नई बैकग्राउंड के साथ दुष्यंत भैया कभी किसी मंदिर के दर्शन करवाएंगे, अब कभी किसी मंदिर के दर्शन। थैंक यू सो मच प्रणाम जी, अति सुंदर, ये भी बड़ी प्यारी सेवा सुंदर साथ जी। हाँ जी अब चलते हैं हमारी प्यारी सुनैना जी की ओर। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, आज जो किरंतन बोलने जा रही हूँ वो राज जी की मीठी रसना पर है, जिसको कोई सोनिया सुबह हमें सबको सुनाती है वो मीठी रसना। तो जैसी राज जी की बुजुर्गी है उनकी रसना भी उतनी ही मीठी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। चखो ना मैं रसना हो सी के सी मीठी हक, जाको ना मैं रसना हो सी के सी मीठी हक, जिनकी जैसी बुजरगी जिनकी जैसी बुजरगी, जुबां होते हैं तिन माफक, जाको ना मैं रसना हो सी कैसी मीठी हक मीठी जुबान मीठे वचन, मीठा हक रूह मीठा प्यार, मीठी जुबान मीठे वचन, मीठा हक मीठा रूह प्यार, मीठी रूह पावे मीठे अरश की, जो मीठा करे विचार, जाको ना मैं रसना हो सी कैसी मीठी हक प्यारी रसना सो अनेक, प्यारी बातें करे बनाए, प्यारी रसना सो अनेक, प्यारी बातें करे बनाए, प्यारी प्यारी रूह बीच में, ए गुंजबान किने ना गिनाए ना गिनाए ना गिनाए, जाको नामई रसना हो सी कैसी मीठी हक, सब अंग जिनके इश्क के
तिनकी कैसी हो सी जुबान, सब अंग जिनके इश्क के, तिनकी कैसी हो सी जुबान, अर्श रूहे जाने जागरत, जो रहे सदा कदमो सुभान जाको नामई रसना, हो सी कैसी मीठी हक सुनो महामत रसना रस, और सुनायो मोमिन सुनो महामत रसना रस, और सुनायो मोमिन जो हुकम कहे तो हेत करे, हक रसना के गुण रसना के गुण रसना के गुण, जाको नामई रसना हो सी कैसी मीठी हक, जिनकी जैसी गुजरगी जिनकी जैसी गुजरगी, जुबान होत है तिन माफक जाको नामई रसना हो सी कैसी मीठी हक बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सुंदर साहब जी, मेरी आवाज में रसना शायद कम हो, लेकिन राजी की वाणी में बहुत रसना है, मीठी रसना है। मेरी आवाज शायद इतनी मीठी ना हो। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। और आज सुनैना और ऐना दोनों को इकट्ठी, दोनों मीठी रूहों को इकट्ठे देखकर बहुत अच्छा लगा। ये जो डबल वाइब्रेशंस मिलती है ना सुंदर साहब जी, दो भाव दो नाते की जब आपस में मिलती है ना, तो वो बहुत सुंदर होती है। हम सुंदर साहब तो आपके दर्शन भी करते रह गए, और ये मीठी रसना वो भी डबल बोनैंजा जब मिला, तो राज जी की बहुत मेहर। आप दोनों इकट्ठे आते रहा करो, है ना बेटा। मम्मी ने भी आना था, बस उनका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो उनके साथ ही बोलना था मैंने। अरे वाह, कोई बात नहीं। गुलशन आंटी नहीं, ऐना ने साथ दे दिया बहुत। कोई तो साथ। प्रणाम सुंदर साहब जी, ये भी उनका मेहर, सागर ही तो बरस रहा है हमारे ऊपर। धनी जी की मेहर से सुंदर साहब का प्रेम जो बरस रहा है, आप दोनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम। बहुत सुंदर सेवा, बहुत मीठी सेवा। प्रणाम जी। आइए सुंदर साहब जी, अब चलते हैं। और रूपा दीदी, आप जल्दी से अपना नाम जरूर लिखवा दीजिएगा। थैंक यू सो मच। ये जो कारखाने चल रहे हैं ना सुंदर साहब जी, नंबर 7 तक उनके नंबर दे दिए जा चुके हैं। 2 कारखाने और खुलने वाले हैं, 9 तक हो जाएंगे बहुत जल्दी। और ये रिमाइंडर कारखाना एवरी डे सुंदर साहब जी। आज शीतल जी सुबह उठते ही पहले अपनी सेवा करने चली गई। हाउ डज दिस टच एवरी हार्ट, आई कांट टेल यू। बहुत सुंदर सेवाएं और उमंग से हो रही हैं, कोई किसी को बता नहीं रहा क्या करना है। अपने आप स्वचालित, अंदर से दिल से चालित होते हैं ना वो सेवा कारखाने। आप सब सदस्यों को, सेवा भावी सुंदर साहब को कोटान कोट प्रणाम जी। थैंक यू सो मच। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा
श्री प्राण नाथ सखी जीवन हमारोए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक़्त अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री लालदास महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आप ये जो रोज शेयरिंग करके आते हैं ना सुंदर साथ जी, इस सेवा से बहुत सारे और सुंदर साथ जुड़ते जा रहे हैं, उनके पर्सनल मैसेजेस प्राप्त होते हैं। यूट्यूब में वो किस किस वीडियो पे पहुंच रहे हैं उस पे जब भी वो कमेंट करते हैं, कईयों ने तो वीडियो अभी देखने शुरू किए हैं। श्री बीतक साहब के 5वें पर ही पहुंचे हैं वीडियो पर, कुछ सुंदर साथ श्री मेहर सागर के 2रे पर ही पहुंचे हैं। तो सुंदर साथ जी, आपकी इस प्यारी सेवा को कोटि कोटि नमन, प्रणाम जी। आइए चलते हैं, कौन सा प्रसंग सुंदर साथ जी चल रहा है? हमारी बीतक साहब का अति सुंदर अति प्यारा प्रसंग, जबकि प्यारी प्यारी मिश्री की ईंटें गिरनी शुरू हो चुकी हैं, और अब कहां भेजा जा रहा है हमारे श्री जी को। अब उनको मिहिर राज जी नहीं कहा जाएगा, अब तो उनको श्री जी कहा जाएगा। सबसे पहले तो वाणी लेकर कहां आते हैं? बिहारी जी के पास आते हैं। जैसे ही उनको रिहा किया जाता है वहां से, कैसे उनको किया जाता है, क्या उनको दिया जाता है सुंदर साथ जी, कितनी, जब रानियां बताती है ना कि ये आपने कर क्या दिया, क्या कर दिया ये आपने, पीछे से आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, हमने ऐसी ऐसी रामतें होती हुई यहाँ पर देखी हैं, इसलिए इनको जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए। उनको सम्मान पूर्वक सिरोपाओ, सिर से लेके पांव तक के कपड़े सुंदर साथ जी सिरोपाओ देकर उनको रिहा किया जाता है। सुंदर साथ को प्रबोध, जाने कैसे धनी जी की मेहर से ही 18वें प्रकरण पर पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे संजमे चलते चलते ही, कोई जल्दी नहीं है सुंदर साहब जी कि श्री बीतक साहब को इतनी देर में ही समाप्त करना है। ये श्री बीतक साहब हमारी बीतक को सुधारती जा रही हैं जो बनने वाली हैं। इस प्रकरण में हरजी व्यास सुंदर साथ को प्रबोध, इन प्रकरण का नाम है सुंदर साहब जी। इस प्रकरण में हरजी व्यास की जागनी के संबंध में प्रकाश डाला गया है। अब फेर कहूं हबसे की जाको प्रबोधपुरी नाम, तहां 12 महीना बीतक भई। पूरा 1 साल हबसे में रहना सुंदर साहब जी कोई आसान नहीं होता। नजर बंद रहना 6 महीने तो विरहा में, और 6 महीने तक ये वाणी उतरी है। कितनी किताबें, सिर्फ श्री रास, सिर्फ तो नहीं कहूंगी, श्री रास की एक चौपाई में भी पूरी वाणी समाई हुई है, एक चरण में ही पूरी वाणी समाई हुई है। वो भी हृदय में चुभ जाए ना तो 18,758 उनमें समाई हुई मिलेंगी सुंदर साहब जी। श्री रास, श्री प्रकाश गुजराती, श्री खटरुति और श्री कलश गुजराती की 2 चौपाइयां। और उस दिन मैं कलश घूटन की बोल गई थी सुंदर साहब जी, कलश जंघन की है। तो ये सारे अंग की भी एक पोस्ट बनी हुई है बहुत सुंदर, वो भी शेयर की जाएगी। श्री रास चरण, उसके बाद श्री प्रकाश जो है वो होती है पिंडुरियां, श्री प्रकाश पिंडुरियां, और उसके बाद क्या होता है सुंदर साहब जी, खटरुति जो है वो घुटने, और उसके बाद कलश जंघन की होता है। तो जांग सुंदर साहब जी, धनी जी के कितने प्यारे अंग, इतने सुंदर, एक एक अंग से कितना प्रेम हमें होना चाहिए। अब फिर कहूं हबसे की जाको प्रबोधपुरी नाम, तहां 12 महीना बीतक भई। संवत 1715 तमाम, 1715 जो है वो तमाम हो गए, यानी के यहीं पर पूरा हो गया उनको हफ्से के अंदर अंदर ही। कुतुब खां सो सलाह करके, अब वो वजीर और जाम जो हैं, जाम राजा जिनको बोलते हैं, जामनगर के राजा, वो वजीर आया नए नगर, तब अंदर कहया महल में, क्यों ऐसा जुलम किया महराज पर। कुतुब खां से जब मिलकर आ गए संधि करके, जामनगर के मंत्री पहुंचते हैं महल में,
तो पत्नियों ने बताया मिहिरराज पर ये अत्याचार क्यों किया तुमने, क्यों बताया? उन्होंने कहते हैं जब श्री तारतम वाणी रास का अवतरण हो रहा था तो उस जेल में कारागार में नजरबंदी की हालत में वो जो हफ्सा मंदिर हमने देखा था वहां दिव्य प्रकाश फैला होता था, रास का मनमोहक दृश्य भी दिखाई देता था। जिन्होंने अभी तक श्री रास का मंथन ना किया हो जरूर कीजिएगा, करने का समय नहीं है तो श्री कृष्ण त्रिधा लीला के वीडियोस देखिएगा, पर यदि हो सके तो श्री रास किताब ही पढ़िएगा सुंदर साथ जी, क्योंकि वैसी ओरिजिनल जो श्री महामती जी ने लिखा है उनके अर्थ और भावार्थ जो हुए ना उनके साथ कभी न्याय नहीं हो सकता। वीडियोस देख भी रहे हैं तो साथ साथ श्री रास ग्रंथ जरूर पढ़िएगा। कहते हैं इतना मनमोहक दृश्य होता था मंत्री की पत्नियों ने, रानियों ने नहीं लिखा यहाँ पे, मंत्री वापस आए हैं, मंत्री की पत्नियों ने कारागार के द्वार के छिद्र से सारा दृश्य देख लिया था और उनको पता लग गया था ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इनके अंदर कोई अलौकिक लीला हो रही है। सुंदर साहब जी सतगुरु भी हमारे कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कोई अलौकिक लीला उनके अंदर भी हुआ करती है तभी इतने सुंदर अर्थ और भावार्थ निकलकर बाहर आया करते हैं। कोई साधारण मनुष्य ये कर नहीं सकता, तभी बार बार उनको साधना की लज्जत लगी हुई है कि यहाँ आना पड़ता है। सुंदर साथ जी जागनी का जो राज्य ने उनको भार कार्य भार सौंप रखा है ना वो करने के लिए आना पड़ता है, पर बार बार दिल करता है साधना में जाया जाए, चितवन में ही बैठा रहूं, चितवन में ही मेरी रूह बैठी रहे ताकि मैं अपना भी वो कर लूं ना, अपना सुख भी ले लूं। जागनी का जो कर्तव्य सौंपा है वो करना है, पर जो अधिकार मुझे दिया है आपको देखने का हर पल निरखने का उसमें भी कहीं मैं चूक ना जाऊं। सुंदर साहब जी सतगुरु क्या क्या साधना से मोती इकट्ठे करके लाते हैं, बंद पड़ी सीप होती है उसको खोल खोल के मोती लेकर आते हैं और सारे हमें दे देते हैं लाकर, अंदर उनके वो मोती की चमक रह जाती है। सुंदर साहब जी चाहे बांट ही दिया जाए पर अंदर का प्रकाश कोई नहीं ले सकता, जो अर्जित किया है रूहों ने परमहंसों ने वो प्रकाश अपनी मेहनत से अर्जित किया है, रहनी से कसनी से कसौटियों से अर्जित किया है। सुंदर साहब जी एक और प्रकार की भी गांठ होती है, आज मैं कुछ पढ़ रही थी राजी जाने कौन सी किताब कब खुल जाती है, पीडीएफ खोलती हूँ कब कोई क्लिक हो जाती है कब कोई कौन से पेज पे खुल जाती है, उन पे लिखा हुआ था एक और भी गांठ होती है। मैंने कहा हुक्म की गांठ तो धनी हमने पढ़ी है सिंधी में हम सुंदर साथ जी ने मिलकर, अब ये कौन सी गांठ है? कहते हैं वो गांठ भी है, इतनी प्यारी बातें श्री मुखवाणी में, अभी तो इधर से कभी इधर से कोई चौपाई कभी कोई चौपाई पे नजर पड़ जाती, पूरा तो पढ़ा ही नहीं है। सुंदर साथ जी पूरा पढ़ेंगे पूरा मंथन करेंगे पूरा हृदय में उड़ेल देंगे तो सोचिए क्या होगा, कितने प्रेम के रस अंदर उमड़ने लग जाएंगे जो टिकने नहीं देंगे। सुंदर साहब जी इसीलिए जो सतगुरु होते हैं ना कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मेरे ऊपर कुछ भी हो जाए पर वो टिकने नहीं देता, जो अंदर बैठा होता है ना जो उसने करवाना है जो उसने अपने हृदय में ले लिया है वो करवा के छोड़ते हैं, एक भेद छोटा सा भी अंदर कहीं वो दे देना तो बैठने नहीं देते जब तक सुंदर साथ तक वो पहुंच ना जाए। तो सोचिए सतगुरु का क्या हाल होता होगा, हमारे प्राणनाथ जी की कैसी स्थिति होती होगी, कैसे घोंट घोंट के इनको पिला दूं ये इश्क रूपी जो मुझे टॉनिक दिया है ना राजी ने जिससे इतनी रिष्ट पुष्ट हो जाती है ना आत्मा की, जो ये हेल्थ खराब की हुई है ना हमने उसको आहार ही नहीं देते कितना वीक उसको किया हुआ है, ऐसा टॉनिक ये वाणी पिलाती है ना रिष्ट पुष्ट आत्मा बिल्कुल स्वस्थ जिसको आज तक आहार नहीं मिला इतना आहार ये ब्रह्म वाणी उसको दे देती है ना, तो वो कौन सी गांठ है? सुंदर साहब जी कहते हैं एक गांठ मैंने प्रेम की भी लगाई हुई, हम कहते हैं ना चुनरी में साड़ी में गांठ बांध लेना वो भी धनी ने लगाई हुई है, कहते कहीं तुम्हें मैं जाने नहीं देता, मैंने इतने बंधन उसको लिखा था बंध बांध के रखे हैं, मैंने इस प्रकार का चौपाई में आया था मैंने वो बंध बांध के रखे हैं कि तुम मेरे बंधन से निकल के कहीं जा ना पाए।
सोचिए कितना प्रेम करता है। एक मैंने हुक्म की गांठ लगाई हुई है कि तेरी तरफ से ऐसे कसनी करानी है ताकि कोई ये ना कहे कि इनके साथ पार्शियलिटी कर दी, इनको तो जल्दी मिल गए मुझे तो मिले नहीं। एक वो गांठ लगा रखी है, एक अपनी प्रेम की गांठ और लगा रखी है सुंदर साहब जी की, जाने नहीं देते, कहीं और जाने का दिल ही नहीं करता, ना कुछ मांगने का। कहते हैं सुख आए दुख आए, अपमान हो सम्मान हो, चाहे जो मर्जी हो, उसको कैसे करना, निर्विकार भाव से और अनासक्त भाव से करना, आसक्ति ना हो उसमें। आप कुछ दान भी दे रहे हैं ना, कहीं पे सेवा भी दे रहे हैं, आसक्ति ना हो। आसक्ति क्या होती है? आसक्ति होती है लगाव। लगाव क्या होता है? उसके फल से लगाव, कि मैंने ये अच्छा किया इसका फल मुझे अच्छा मिलने वाला है। वो लगाव जब छूट जाएगा, चाहे वो दुखों से हो, चाहे सुखों से हो, चाहे दान से हो, चाहे धन के भोग से हो, चाहे किसी भी चीज से हो, चाहे रूप से हो, गुण से हो, जब आसक्ति चली जाएगी ना, तो हम कर्मों के बंधनों से मुक्त उसको कहा जाता है सुंदर साहब जी। अब कोई आसक्ति नहीं, कोई अच्छा कार्य किया मुझे वापस अच्छा मिलेगा, बुरा कार्य तो करने का सोचना भी नहीं है सुंदर साहब जी। बुरा कार्य कोई धनी की वाणी जिसके अंदर सच में वो समा रहा है ना, एक शब्द भी यदि अंदर जा रहा है, वो पत्थर को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, वो बुरा कार्य कर ही नहीं सकता, उसका तो अब प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इतनी दूर आकर उसके बारे में तो सोचना भी नहीं है। पर यदि अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, पन्ना जी जा रहे हैं, किसी मंदिर में जा रहे हैं, किसी आश्रम में जा रहे हैं, किसी सुंदर साथ की सेवा कर रहे हैं, कहीं रिटर्न में अंदर छुपी हुई कोई इच्छा तो नहीं है ना कि मैंने ये अच्छा कार्य किया, अब मेरे लौकिक जीवन में कुछ अच्छा अच्छा इसके बदले में मुझे मिलेगा। तो वो आसक्ति भी अब नहीं रखनी है सुंदर साहब जी। प्रेम की गांठ पिया बांधे ही रखना, हुक्म की गांठ भी पिया बांधे ही रखना, क्योंकि इन गांठों इन बंधनों से ही तो हम बंधे हुए हैं। बस बांस की गांठ नहीं होनी चाहिए, प्रेम की हुक्म की तो ये गांठें, इश्क की गांठें तो पिया मेरी चुनरी में, मेरी साड़ी में, मेरे हृदय में बांधे रखना इस बंधन को। आओ बांध लो अपने हृदय से मेरे हृदय पे गांठ, और सुंदर और प्यारा परम धाम प्रखर दिखने लगेगा, प्रत्यक्ष दिखने लगेगा। जब ऐसा होगा, जब ऐसा हुआ है, हो चुका है, पर जब हमें फील होना शुरू हो जाएगा ना, उस दिन वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। सुंदर साहब जी कहते हैं उन्होंने क्या किया, मंत्री जी को, यहाँ पे राजा नहीं लिखा है सुंदर साहब जी, यहाँ पर मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ, कुतुब खासो सलाह करके वजीर आया नए नगर, तब अंदर कहया महल में क्यों ऐसा जुल्म किया मेहराज पर। उनकी पत्नियों ने बताया कि मेहराज पर ऐसे अत्याचार क्यों किया। अब उन्हें क्या विश्वास हो गया था, कोई अलौकिक शक्ति इनके अंदर है, रास की रामतें सोचिए सामने हो रही हो। क्या कह रही है उनको, एक तो घर लूट लिया फिर बंद कर बैठाया, बरस रोज होने आया क्यों ऐसा जुल्म पहुंचाया। कहते एक तो घर की सारी संपत्ति ले ली, ऊपर बंधन में और डाल दिया, नजर बंद कर दिया, एक बरस होने को आ गया है, ऐसा जुल्म आपने कर दिया, अत्याचार कर दिया, कहां भुगतोगे आप। सिताब छोड़ो इनको, जल्दी से जल्दी सिताब काढ़ो श्री राज, हम बोलते हैं अर्जी में सुंदर साहब जी, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राज। तो उस सिताब का अर्थ क्या होता है, शीघ्र अति शीघ्र धनी हमें भी काढ़ लो इस यहां से। राज जी कहते हैं जितना होगी, मैं तो बैठा ही हूं, मैं तो इतनी तत्परता से बैठा हूं, इतनी तेज, मैं तो घुटनों के बल बैठ गया हूं कि कब सीटी बजे और भाग जाए यहां से, कब रेस वो शुरू हो जाए, चलो चले। तो कहती है शीघ्र अति शीघ्र इनको नजरबंदी से मुक्त कर दो, देओ दिलासा इन, इनको सांत्वना दो, जो दुख तुमने इनको दे दिया है ना, बिना कोई दोष होते हुए, निर्दोष था आपने इनको दे दिया ना, इनको भरोसा दीजिए, सांत्वना दीजिए, दिलासा दीजिए, दे सिरों पाओ घरों पैठाओ, घरों पठाओ। कहते हैं इनका सम्मान करके, सिरोपा बोलते हैं पहनाना, इनका सम्मान करके, यानी के
पूरे सिर से लेकर पांव तक 5 वस्त्र सुंदर साथ जी दिए जाते हैं, वो पहनाकर वो इनको देकर इनका सम्मान करके ए दिलगीर होवे जिन, जिससे इनका दिल अब दिल में जो कर सकते हो उसके लिए कर लो, इनके दिल से वो दुख निकाल लो। उनके दिल में दुख है सुंदर साथ जी, अब तो नजरबंदी का सुख ही सुख है उनके अंदर। बाहर से देखने वालों को क्या लग रहा है, 1 साल रह के आए हैं। बाहर से देखने वालों को क्या लग रहा है, महाराज जी हमारे शेरपुर वाले महाराज जी बड़े दुखी हैं। उनके अंदर कितना आनंद समाया ये वही जानते हैं कि उनको क्या मिल रहा है। ये शरीर की कसमी सहन कर करके अंदर कौन से आनंद समाते जा रहे हैं, कौन से सागर हिलोरे लेते जा रहे हैं, ये तो उन्हीं को पता होता है। मेहर सागर में भी आया, जो करता है मेहर उसको पता होता है, जो पाता है उसको पता होता है, जिसके दिल में हो रही होती है उसको पता होता है, दूसरा क्या जाने कौन सी मेहर हो रही है। जाहिरी में तो दिख रहा है कि 1 साल से नजरबंदी की हालत में है, पर उनके अंदर ब्रह्म वाणी का वो आनंद समा गया, धनी जी के दीदार का वो आनंद उनके अंदर समा चुका है इस समय, कि उनको एक चौपाई में बीच में आया भी था कि अब उनको नजरबंदी का कोई दुख नहीं रहा। जब धनी जी के दर्शन हो गए तो सुंदर साथ जी कौन सी आसक्ति, दुखों से सुखों से माया से कोई आसक्ति नहीं रही, कोई मोह नहीं रहा। माया में रहना है, प्यार करना है सुंदर साथ जी, सबसे प्रेम करना है, किसी से कड़वे शब्द नहीं बोलने, अपने परिवार से भी प्रेम करना है, बच्चों से भी प्रेम करना है, सगे संबंधियों से भी, यही रहनी तो दिखानी है कि हम अपने पिया के प्रेम से ओत प्रोत हैं। कड़वा बोलेंगे तो कैसे पता लगेगा कि प्रेमी है, प्रेम से ओत प्रोत हैं, ऐसे हो ही नहीं सकता कि कटुता से वो काम हो जाए। तो हमें प्रेम करना है, आसक्ति नहीं रखनी सुंदर साथ जी, मोह नहीं रखना किसी के साथ भी, ऐसे प्रेम करना है कि सारी कायनात मेरे पिया ने बनाई है, सबसे प्रेम है, पर जो लगाव हमारा है ना अंदर से, मोह किसी के साथ नहीं है यहाँ पे, और नंबर 1 प्रायोरिटी का जो प्रेम है ना वो मेरे धनी के लिए है, बाकी सारे सेकेंडरी हैं यहाँ पे। पर फिर भी गुस्सा किसी के साथ नहीं करना, प्रेम ही प्रेम हमें फैलाना है। सिर से पैर तक वो पूरी पोशाक जो राज दरबार से सम्मान के रूप में मिला करती है ना सुंदर साथ जी, उनको कहते हैं सिरोपाओ। तो ऐसे सिरोपाओ उनको पहनाकर वहां से विदा किया जाता है, उनके दिल में कोई दिलगिरी कोई दुख ना रह जाए उनके दिल में। सिताब वजीर बुलाए के तभी किए खलास, सिताब वजीर बुलाए के सुंदर साथ जी तभी किए खलास, किताबें उतरी कादर से बिन धाम न रही आस। मंत्री ने उनको सिताब मतलब जल्दी से जल्दी उसी क्षण बुलाकर वजीर ने क्या किया, बंधन से मुक्त खलास कर दिया, बंधन उनका खत्म कर दिया, बंधन से उनको मुक्त कर दिया। किताबें उतरी कादर से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे, उनको कोई आशा ही नहीं है आप किसी से, मुझे बंधन
प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सॉरी बीच में शायद हैंग हो गया था, मेरा मीटिंग ही छूट गई थी, मुझे पता नहीं कहाँ पर छूटा था। अभी आशीष जी की नीचे से आवाज आई तो मुझे पता लगा कि हैंग हो चुका है, आई एम सॉरी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी क्या कहाँ पर छूटा, आई डोंट नो बट आई ट्राई, कहाँ से होगा। सिताब वजीर बुलाए के तभी किए खलास, किताबें उतरी कादर से बिन धाम न रही आस। अब उनको अंदर कोई आस ही नहीं है, परम धाम के बिना, धनी के बिना यहाँ पर किसी से कोई आशा नहीं है सुंदर साहब जी। और जो आशिक होते हैं ना सुंदर साहब जी, आशिक तो धनी है, उन्होंने बस उपमा दे रखी है, कभी आशिक की कभी माशूक की उपमा दे रखी है। और जो होते हैं ना, जिनको दीदार हो जाया करते हैं, वो केवल धनी के हुक्म से बोल पाते हैं, नहीं तो कुछ बोल नहीं पाते। मछली तड़प रही होती है ना, वो कुछ बोल नहीं पाती कि मैं मर रही हूं, मुझे पानी में डाल दो या ऐसा कुछ कर दो, वो चिल्ला नहीं पाती, कुछ नहीं कह पाती। सुंदर साहब जी, कबीर जी बहुत सुंदर कहते हैं, कहते हैं हीरा पाया गांठ गठी आए, हीरा पाया गांठ गठी आए, बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त भया मन मस्त भया मन मस्त भया अब क्या बोले। तो आशिकों के होठों पे तो ताले हुए करते हैं सुंदर साहब जी, जो गांठे उन्होंने हमारी साड़ी में, हमारी चुनरी में, हमारी चुनरी में, हमारे दिल में, जो वो गांठ बंधन की, अपने प्रेम के बंधन की डाल के भेजी है ना, उसको खोलना भी नहीं पड़ता सुंदर साहब जी, वो बंधन तो कभी खोलना ही नहीं है, वो तो बंधा रहे पिया जी आपके साथ ही। और उस बंधन में, उस गांठ को बिना खोले चुनरी में से धनी मुस्कुराते नजर आते हैं। खोलना नहीं है सुंदर साहब जी, क्या मांगना है, इतनी सारी अनंत मांगे, अनंत प्रेम की तरह हैं, तो पूरा जीवन भी लगा देना वो मांगे खत्म नहीं हो सकती, इतना प्रेम है उनके पास। तो आज से यहाँ की मांगे छोड़िए, वो शुरू कीजिए, बहुत कम श्वास बचे हैं सुंदर साहब जी, बहुत कम सांस हमारे पास बचे हैं, और मांगे इतनी सारी हैं, इतने सारे सुख हमने उनसे लेने हैं, इतना इतनी बार उनका हर सांस में उनका दीदार करना है, इसलिए अब यहाँ की मांगे छोड़ वहां की मांगे शुरू कर देंगे सुंदर साहब जी। अब श्री जी को बुलवा कर सिताब उसी क्षण उनको छोड़ दिया जाता है। सर्व समर्थ अक्षरातीत कादर उनको कहते हैं सुंदर साहब जी। सर्व समर्थ का अर्थ तो हमें पता है ना, सर्व समर्थ मतलब सब कुछ वही कर सकते हैं, और कोई कर भी नहीं सकता सुंदर साहब जी, तो क्यों जाते हैं हम इधर उधर, क्या अपने सर्व समर्थ की समर्थता पर संशय है कि वो नहीं कर पाएगा, आइए यहां से मांग लेते हैं। क्यों कलंकित कर रहे हैं अपने प्रेम को, किसी के पास नहीं जाना, मेरे धनी के हृदय में ये मेरे लिए इच्छा आई हुई है, इसलिए हमें ऐसा ऐसा खेल, ऐसी ऐसी कसौटी और ऐसे ऐसे लाड धनी ने उसके थ्रू देने हैं। कौन कारागार में जा रहा है सुंदर साहब जी, किसी को नहीं भेज रहे, बड़ी छोटी छोटी सी कसौटियां दे रहे हैं। इंद्रावती को शोभा मिलनी है सुंदर साहब जी, इंद्रावती जी को शोभा भी मिलनी है ना अक्षरातीत की, तो इसीलिए उनको कसौटियां भी अक्षरातीत के लेवल की मिल रही हैं। हम तो जाग ही जाएं इतना ही बहुत है, छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी कसौटियां वो दे रहे हैं, और स्वयं कारागार मिला, पर उनको मिला क्या, ये छोटे छोटे दुख जो आ रहे हैं अंदर क्या मिलेगा सुंदर साहब जी, स्वयं मेहरों का सागर लिपट के उनके अंदर आ रहा है, इसलिए जरूर हैप्पीली विथ पेशेंस हैप्पीली बिताना है, उसके प्रेम में मस्त रहना है सुंदर साहब जी। एक किताबें लेके अब कहाँ जाते हैं, एक किताबें लेके लगे बिहारी जी के कदम, उनके चरणों में आकर झुक जाते हैं, अभी भी झुक रहा है अक्षरातीत श्री जी, झुक रहे हैं सुंदर साहब जी, झुकना सीखना। बिहारी जी
बिहारी जी कैसा अभिनय कर रहे हैं, रतन बाई कैसा अभिनय कर रही है, जैसा धनी ने उनको दिया हुआ है, कोई कटु भावना नहीं उनके लिए हृदय में कभी नहीं, आज तक आई भी है तो उस मलिनता को धो देना है सुंदर साहब जी, बीतक से धो देना है हमने। जैसा धनी उनसे करवा रहे हैं वैसा वो करते जा रहे हैं, और उनके इस व्यवहार को देख कर भी इंद्रावती जी की आत्म, मिहिर राज जी के ये जीव के दिल में भी कोई कटुता नहीं आ रही कि मेरे साथ कैसा किया। फिर सारी पता है कि मुझे जेल पहुंचाने वाले कौन थे, पर फिर भी आके सारी किताबें लेकर उनके चरणों में बैठ जाते हैं। बातें बीतक की करी पाया सुख आत्म, सारी बीती हुई बात बताते हैं। तीनों ग्रंथ लेकर, कौन से तीनों, जो पूरे हुए हैं ना वो तीनों बार बार लिखे हैं, क्योंकि चौथे की तो दो ही चौपाइयां उतरी हैं सुंदर साहब जी। श्री बिहारी जी के पास आए और उनके चरणों में प्रणाम किया, सारी बीतक कह सुनाई, हफ्सा में क्या क्या हुआ, किस प्रकार उनकी आत्मा को अक्षरातीत का दीदार हुआ, कौन कौन से सुख का उन्होंने वहां अनुभव किया, सारी बातें बता रहे हैं। लगे बातें करने अपनी जो बीतक, यों किताबें उतरी हुई श्री मेहराज पर हक। अपने साथ घटित हुई सारी बातें तो बता रहे हैं, कैसे राज्जी की मेहर हुई, क्या हुई श्री मेहराज पर हक, रास प्रकाश खटरुति की वाणी किस प्रकार उतरी साथ, ये है सुंदर साजी वो चौपाई, साथ सबों ने इन समय देखी मेहर श्री राज, बाह पकड़ाई साथ की दई हके हाथ श्री मेहराज। सारे सुंदर साथ को जब पता लगता है कि इस प्रकार परम धाम की वाणी उतरी है, और कैसे धनी जी की मेहर तो बरस रही, प्रत्यक्ष मेहर बरस रही है, जाहिरी बातुनी सारी मेहर उनके ऊपर बरस रही, जितने प्रकार की भी मेहर होती है ना, सारा मेहर का सागर ही धनी उनके ऊपर उड़ेल रहे हैं। ये ऐसी मेहर देखकर बाह पकड़ाई साथ की, राजी ने सबका हाथ श्री मिहिर राज जी के हाथों में सौंप रखा है। ऐसा सुंदर साथ जी को अनुभव होता है कि राजी ने दई हके हाथ, राजी ने स्वयं हाथ पकड़ के हमारा हाथ इंद्रावती जी के हाथ में दे दिया, और सुंदर साथ जी दे भी दिया है, वो राजी का ही हाथ है एक्चुअली में, वो इंद्रावती जी का नहीं है। कहने को इंद्रावती जी ने शोभा उनको दी है, पर अंदर उस हाथ के अंदर भी धनी स्वयं छुप कर बैठे हैं। उनको पहचानना है कि कौन श्री प्राणनाथ जी हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं, ना तो मैं संत हूं, बहुत बहुत सुंदर एक चौपाई आती है, रेहू ना ही सिद्ध साध संत री भगत, ना हूं वैष्णव अपरस आचार, जात कुटम कुल नीच ना ऊंच, ना हूं बरन अठार। इस प्रकार की चौपाई आती कि मेरे को कोई संत ना समझ लेना, कोई साधु ना समझ लेना, मैं कोई वर्ण में नहीं आता हूं, कोई मेरी जात ऊंच नीच नहीं है, अक्षरातीत है इन सब बंधनों से परे। सुंदर साहब जी आवेश स्वरूप है, ये आवेश स्वरूप जो उनके अंदर विराजमान है। इत बिहारी जी चमके, अब ये सुन के कलस की वाणी, सुन के खटरितु की वाणी की, अरे भाई इतना विरह कर रहे हो उसमें, सुन खटरुति के सुकन, इन तहकीक मुझसे लई खास गिरो सैन। खटरितु की वाणी, खटरुति की वाणी सुन के बिहारी जी महाराज चमके, अब चौंक गए, मन ही मन क्या सोचा, इन्होंने तो ब्रह्म सृष्टियों के नेतृत्व का सारा अधिकार ही मेरे से छीन लिया, ये तो खुद ही बोल रहे हैं कि मैं अक्षरातीत हूं, ऐसी स्थिति में अब मेरा गादी पे बैठने से क्या फायदा। इसमें खटरुति में स्वामी जी लिखते हैं, बहुत सुंदर एक प्रसंग आता है उसमें, कहते ए वाले अम बिना कोणे ना करियो, किसी और को नहीं मिले हैं वो, मेरे बिना वो किसी और को नहीं मिले हैं, कलियो नहीं, मुझे लगता है शायद मलियो ना हो यहाँ पे, मेरे बिना और किसी को नहीं मिले हैं। इंद्रावती जी के अंदर कहते हैं, अगर राजी हैं, अगर इन्हीं को मिले हैं तो फिर मैं किस काम का रहा, मुझे सुंदर साथ क्यों पूजेंगे, इन तो सुकन में कया
मैं लेऊं धनी अपना, मैंने अपने धनी को ही ले लिया है, ऐसी वाणी लिख दी इन्होंने, तो इत बाकी क्या रहा भाई इन सुकनों की पहचान। तो कहते हैं अब मेरा गादी पे बैठे रहने का कोई फायदा ही नहीं होगा, इन वचनों से तो इनके मानसिक भावों का सब पता लग रहा है, ये खुद को ही राजी मान के बैठ गए हैं, मुझे तो ऐसे लगता है, बिहारी जी कहते हैं खुद ही बना दिया इन्होंने सारा कुछ। प्रकाश गुजराती के अंदर बहुत सुंदर सुंदर साजी चौपाइयां लिखी हैं, और वो चौपाइयां हमारे प्यारे सुंदर साजी ने बहुत सुंदर सजाई हैं। आइए चलते हैं, और एक चौपाई दिखानी रह भी गई थी उस दिन, उनको भी दर्शन करते हैं। सुंदर साजी बहुत सुंदर सेवा, चौपाई डेकोरेशन टीम आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। इतना सुंदर कारखाना, इतनी प्यारी ये बातें करते हैं आपस में, होती बातें वो मात्राओं की हैं, वो इतनी सुंदर होती हैं, होती बातें वो बिंदियों की हैं, होती बातें वो प्रकरणों की हैं, ये प्रकरण नंबर ऐसे ऐसे, मैं कर देती हूँ, मैं कर देता हूँ, आपके पास समय नहीं है। अति सुंदर आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साजी थोड़ा सा लोड होने में शायद समय लग रहा है, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आज फिर बार बार थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी थोड़ा सा सुंदर साजी, आई एम सॉरी, आज फिक्स करने की ट्राई करूंगी जी। तो श्री बीतक साहब की चौपाई, सातों स्वरूप जो हमने सुने थे ना सुंदर साजी, वो भी श्री मुखवाणी में पूरे लिखे हुए हैं। सातों स्वरूप अखंड मैं वर्णन किए सिर ले, दो रास पांच अर्स अजीम, बोझ दिया ना सिर स्वरूपों के। ये पूरी प्यार से बहुत सुंदर श्री मुखवाणी में ही बता दिया हुआ है कि कौन से सातों स्वरूप है। श्री श्रृंगार प्रकरण 3 चौपाई 52 श्री महामती जी कहते हैं, खाम धनी की मैं लेकर अपना उत्तरदायित्व निभाते हुए मैंने अखंड के सातों स्वरूपों का वर्णन किया, इसमें रास के 2 श्रृंगार हैं तथा 5 परम धाम के हैं। रास में 1 श्रृंगार श्री राज जी का है तो दूसरा श्यामा जी का है, इस प्रकार परम धाम के 3 श्रृंगार राज जी के हैं तो 2 श्यामा जी के हैं, तो ये 5 और ये सुंदर साज जी 2 श्रृंगार का ये वर्णन धाम धनी ने अपने आदेश से मेरे द्वारा ही करवाया, जब वे श्री देवचंद्र जी के तन में विराजमान थे तो ये वर्णन नहीं हो सका। भावार्थ, इस चौपाई के 4th चरण में स्वरूपों के ऊपर बोझ ना देने की बात कही गई है, जिसका तात्पर्य ये है कि श्री देवचंद्र जी के तन में जब युगल स्वरूप विराजमान थे तो वर्णन नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि युगल स्वरूप अपनी शोभा का वर्णन कैसे करें, श्यामा जी कैसे करेंगी, इसीलिए तीसरे व्यक्ति द्वारा संभव था, ये शोभा श्री महामती जी को इसलिए मिली। वस्तुतः बोझ उठाना अपने उत्तरदायित्व को निभाना है। श्री मुखवाणी में बोझ उठाने का प्रसंग कई स्थानों पर है, बोझ अपनो निज वतन को सो सब मेरे सिर दियो, श्री किरंतन प्रकरण 62 चौपाई 15 बोझ निभाहे साथ को और बोझ मसनंद भरतार, श्री किरंतन चौपाई 95 प्रकरण 95 चौपाई 11। अब ये चौपाइयां हैं सुंदर साजी जो अब के प्रसंग से रिलेटेड श्री बीतक साहब टीका में लिखी हुई है, एक मिनट दीजिएगा मैं इनको सेट कर लेती हूँ। सही तू मेरा धनी ले बैठी, ये क्या सोच रहे हैं, ये बिहारी जी सोच रहे हैं सही तू मेरा धनी ले बैठी, कोई और ना देखनहार, देख तू पियू लेऊं अपना तो तू कहियो सुहागे नार। तो क्या लिखा हुआ है उसमें, श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकाश गुजराती का ही ट्रांसलेशन है सुंदर साजी, प्रकरण 28 चौपाई 9 में क्या कहते हैं,
सही तुम मेरा धनी ले बैठी, तुमने गादी पर बैठ जाने मात्र से ही मेहराज जी क्या कह रहे हैं इंद्रावती सखी, ये भ्रम पाल रखा है कि धाम धनी तुम्हारे अंदर विराजमान होकर लीला कर रहे हैं। सही तुम मेरा धनी ले बैठी, कोई और ना देखन हार, किंतु सच तो है कि मेरे सच तो ये है कि मेरे अतिरिक्त इस सत्य को कोई भी और नहीं जानता कि सतगुरु महाराज का तन छोड़कर वे कहाँ लीला कर रहे हैं। देख तू पियू लेऊं अपना तो तू कहियो सुहागिन नारी, ये देख लेना यदि मैं अपने प्राणेश्वर को अपने धाम हृदय में बसा लेना प्रमाणित कर दूं तो तुम भी ये मान लेना कि मैं इंद्रावती परम धाम की सुहागनी आत्मा हूं। ये देखिए और श्री बीतक साहब में नेक्स्ट चौप आई है, सही तू मेरी बाई रतन मोहे मिले छबीले लाल, करी मुझे सुहागनी अब मैं भई निहाल। हाँ जी एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी ये देखिए, सही तू मेरी बाई रतन मोहे मिले छबीले लाल, कितने सुंदर शब्द है ना सुंदर साजी, छबीले लाल, करी मुझे सुहागनी अब मैं भई निहाल। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 28 चौपाई 11, मेरी सखी रतन बाई मुझे अति सुंदर प्राणेश्वर मेरे छबीले लाल मिल चुके हैं। सुंदर साहब जी छबील क्या होता है आपको पता है, ये जब गुरुद्वारों की तरफ से या फिर जब बहुत गर्मी होती है ना तो पानी की रंगीन पानी की मीठे पानी की छबील लगाई जाती है, कितने रंगों के पानी में आती है वो, तो ऐसे छबील होता है पानी, तो कितने रंगों के जल का उनके अंदर कितने रंग सागरों के जो समाये हुए हैं ना, 8 सागर तो हमने पढ़े हैं बस, कहते अनंत सागर हैं, एक सर्वरस सागर मेहर सागर में ही अनंत रंग अनंत रस समाये हुए हैं, तो सोचिए कितने रंगों के वो छबीले लाल हैं। सुंदर साहब जी कहते हैं उन्होंने क्या किया, मुझे अपने छबीले लाल मिल चुके हैं, उन्होंने मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, करी मुझे सुहागिनी और अब मैं भई निहाल। जब वो छबीले लाल मिल जाएं, वो अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लें, प्रत्यक्ष सामने आ जाएं सुंदर साजी, जिससे मैं उनका अनुपम प्रेम पाकर परितृप्त हो चुकी हूँ, अति संतुष्ट, वो तो सुंदर साजी रास में ही कितनी संतुष्ट हो गई थी इंद्रावती जी, तो रास में ही अति संतुष्टि को प्राप्त कर चुकी थी। सोचिए करने ना देऊं जाहिर ए बानी साथ मिने, ये सुंदर साथ जी कल करेंगे क्योंकि समय हो चुका है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रणाम जी। टेक्निकली हुई त्रुटियों को भी क्षमा कीजिएगा सुंदर साथ जी। हाँ जी प्रणाम जी। आज फिर से सुंदर साहब जी कुछ कैमरा में दिक्कत हो रही है, उस दिन भी हुई थी, क्षमा चाहती हूँ। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साहब जी जिनकी अर्जी की टर्न है, जिग्ना जी वो कृपया अपनी अर्जी शुरू करें, मैं इस प्रॉब्लम का कोशिश करती हूँ ठीक करने। प्रणाम जी जिग्ना जी प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी सभी सुंदर साहब के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। पिया जी तुम होते ऐसी जियो में करूं मेरे पीयू जी,
हम जैसी तुम चिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जीव रातो जीठे दिन की प्यास जी तुम बिना में कहूँ प्यास जी आस बिना नी तो करो जो कोई दूसरा हो ये जी सब विद पिया जी समरत दिन रे जात है रोए रोए जी जन्म अंधी जो मैं होती क्यों देखूनी के कार जी जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी ने नाल जार जी पुकार पिया जी मेरी सोने के अब दिल करो अब जीने जी किन खीन खबर लीजिए मैं अर्ज करूं तुलहीन जी प्रीतिया राज में तो करो जो आड़ी पाई अंतराई जी सो आड़ी अंतराए टाली के दुल्हाली जी कंठ लगाए जी कंठ लगाए कंठ सा पिया की जे हास विलास जी वारिने जाए स्त्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हनी में ना जानू बात जी इश्क सो सेवा करो पिया सब अंगो साक्षात जी सदा सुख दाता दाम दनी में का करो किंसो बात जी स्त्री महामती युगल स्वरूप पर पिया अंगना बलि बलि जात जी स्त्री महामती युगल स्वरूप पर वारी अंगना बलि बलि जात जी पिया तुम होते सी कीजियो में अज करू दुल्हन जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम जी सुंदर साथ प्रणाम जी प्रणाम जी बहुत सुंदर आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी अति सुंदर है जी प्रणाम जी सुंदर साहब जी शुक्र है अंगना थी उसने आके फटाफट सेट कर दिया प्रणाम जी आपके चरणों में प्रणाम जी मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा प्रणाम जी